हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 22 नवंबर 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले जो आर्टिकल आया है वो आया है 7th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट 2018 को लेके। देखो, 7वां जो इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट है 2018 का, वो बेसिकली हम बात करें तो 22 नवंबर से लेकर 24 नवंबर के बीच में, मतलब कि आज से स्टार्ट हो रहा है और 24 नवंबर तक चलेगा। और बेसिकली कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, ये आयोजित किया जा रहा है अगरतला त्रिपुरा। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि कहाँ पे इसको होस्ट किया गया है और कब से कब है, कौन सा इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट है वो स्टार्ट किया गया। तो देखो, पहले तो हम थोड़ा नॉर्थ ईस्ट के मैप के बारे में जानते हैं, फिर हम आगे इसको डिस्कशन करके कंटिन्यू वो रखेंगे। तो देखो, ये तो है हमारा नॉर्थ ईस्ट का मैप। बेसिकली हम बात करें तो हम नॉर्थ ईस्ट का मैप तो काफी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये तो है देखो चिकन नेक कॉरिडोर, या फिर इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो काफी पतला सा स्ट्रेच है, तो इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नाम के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पे सिक्किम है जिसकी कैपिटल गंगटोंग है। इसके बाद में देखो यहाँ पे आपको बताओ होगा डोकलाम है भूटान, और इस वाले जो भूटान होगा यहाँ पे सिक्किम होगा, यहाँ इस वाले ट्राई जंक्शन पे बेसिकली डोकलाम है जिसको लेके काफी विवाद भी हुआ था, तो उसकी लोकेशन भी हमें पता होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करें, यहाँ पे आसाम है जिसका काफी लंबा एरिया है बेसिकली, और आसाम के बाद कोने में बांग्लादेश के साइड ये है मेघालय, ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यह है नागालैंड, यह है यहाँ पे मणिपुर, और यह है मिजोरम, और यह है त्रिपुरा। तो यहाँ पे बेसिकली 7वां इंटरनेशनल मेगा मार्ट टूरिज्म मार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है। तो हमें ध्यान रखना कि लोकेशन उसकी कहाँ पे हो जाती है। तो ये तो थोड़ी हमने यहाँ पे लोकेशन देखी कि कौन कौन से स्टेट की लोकेशन कैसे है। अब देखो, यूपीएससी की बार इस पे फोकस ज्यादा करती है, क्योंकि आज के टाइम पे नॉर्थ ईस्ट एरिया पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ की तो लोकेशन से हमें पूछ सकती है कि कौन कौन से का बॉर्डर किसके टच होता है, नहीं होता। तो देखो, आसाम की बात करें तो आसाम के ऑलमोस्ट सारे स्टेट का बॉर्डर है वो यहाँ पे टच हो रहा है। आसाम की बात करें तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर टच हो रहा है, नागालैंड का बॉर्डर टच हो रहा है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। अब यूपीएससी पूछ सकती है कि मिजोरम के बॉर्डर किस चीज का टच होता है, तो मिजोरम के केवल त्रिपुरा हो, मणिपुर हो और आसाम, इनका ही बॉर्डर टच होता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे लोकेशन का पता होना चाहिए। आप ये बताइए कि चाइना, म्यांमार और इंडिया का जो ट्राई जंक्शन है, इस वाले एरिया पे एक पास है, उस पास का नाम क्या है? हम बोल सकते हैं कि इस वाले पे जो एक पास है ट्राई जंक्शन पे, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उस पास को किस नाम से जाना जाता है। अब देखो, नॉर्थ ईस्ट की एक इंपॉर्टेंट रिवर है जिसको नाम जानते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर, तो उसकी थोड़ी ट्रिब्यूटरी को देख लेते हैं। क्योंकि देखो, हम धीरे धीरे इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो हमारे माइंड में चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। थोड़ा हम ट्रिब्यूटरीज को भी हम यहाँ पे डिस्कस है वो करने वाले हैं। ये तो देखो होगी हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। अब यहाँ पर देखो, एक तो है दिहांग रिवर, इसको सिकांग के नाम से भी जानते हैं, ये हो गई। इसके बाद में हम इसकी और ट्रिब्यूटरी की बात करें, देखो इस साइड की जो ट्रिब्यूटरी है उसमें लोहित आ गया, लोहित रिवर हो गई। इसके साथ यहाँ पे बूढ़ी दिहांग है, वो भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि बूढ़ी दिहांग है वो कौन सी साइड की ट्रिब्यूटरी है। और हम बात करें यहाँ पे और ट्रिब्यूटरीज की, तो इस अपोजिट साइड की, तो देखो उसमें तो एक आ गई हमारी दिहांग रिवर, जिसको सियांग के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में सुबनसिरी ट्रिब्यूटरी के बारे में यूपीएससी पूछ सकती है कि सुबनसिरी ट्रिब्यूटरी है वो राइट साइड की है या लेफ्ट साइड की है। इसके साथ ही हमें और मानस रिवर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मानस रिवर है यहीं पे, मानस नेशनल पार्क है, तो उसके बारे में भी लोकेशन का हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे डूबरी है, तो बेसिकली जो नेशनल वाटरवे 2 है वो सदिया से लेकर डूबरी तक इस वाले एरिया पे नेशनल वाटर 2 का निर्माण है, वो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक किया गया, जो कि आसाम में है पूरा। तो ये थोड़ा हमें आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट की लोकेशन कहाँ पे। अब हम चलते हैं हमारे मेन पार्ट की तरफ, जो इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट है। देखो, एक अहम बात यह कि जो 7वां एडिशन किया गया है ये नॉर्थ ईस्ट में किया गया है, और इसके सारे एडिशन नॉर्थ ईस्ट में होते हैं। मतलब हर साल जो होता है, होस्ट किया जाता है, वो किसी न किसी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के द्वारा होस्ट किया जाता है, और हमेशा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में रोटेट करता रहता है। तो ये चीज तो हमें ध्यान रखनी है कि नॉर्मली हमेशा ही और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के द्वारा ऑर्गेनाइज इसको किया जाता है। अब होगा क्या इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट में? देखो, इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट में क्या होगा, जो बायर होंगे खरीदने वाले वो आएंगे, जो सेलर है बेचने वाले वो आएंगे, मीडिया आएगी, गवर्नमेंट एजेंसीज आएंगी, और भी स्टेक होल्डर आएंगे, वो आपस में आके कोलाबरेट करेंगे और अपने इश्यूज है, जो भी उनके बेनिफिट है, उन सब की यहाँ पे चर्चाएं वगैरह की जाएंगी, और प्रदर्शनी वगैरह वो सारे काम यहाँ पे आयोजित की जाएंगी। बेनिफिट क्या होगा इसका? बेनिफिट ये होगा कि नॉर्थ ईस्ट का जो रिच हेरिटेज है, वहाँ के जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं, या वहाँ पे जो एंशियंट ट्रेडिंग्स हैं, वहाँ की लाइफ स्टाइल है, वहाँ के फेस्टिवल्स हैं, वहाँ की आर्ट एंड क्राफ्ट्स हैं, इनके बारे में इंटरनेशनल लेवल पे एक तरह से लोगों को पता चलेगा, और इनकी सप्लाई इंटरनेशनल लेवल पे की जाएगी, तो इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और इंडिया को काफ़ी सारी चीज़ों का बेनिफिट होगा, और आदिवासियों को भी डेवलप करने में काफ़ी हेल्प वो मिलने वाली है। तो ये तो होगी इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट की बात। अब एक बात है कि किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा बेसिकली इसको होस्ट है वो किया गया है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखने हैं।
नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के बारे में, सीजीडी प्रोजेक्ट के बारे में। देखो बेसिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने एक नींव रखी है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट की। इसका मेन मोटो यह है कि देश की 129 जो हम बात करें जिले हैं उनके अंदर बेसिकली गैस सप्लाई को बूस्ट है वो किया जा सके। देखो अभी तक रूरल एरिया में आपको पता है काफी जगह है वो एक तरीके से लकड़ी से या फिर उपले वगैरह से खाना बनाया जाता था, तो उससे वुमेन की हेल्थ को काफी बड़ा नुकसान है होता था। और इसीलिए गवर्नमेंट काफी सारी स्कीम भी लेके आई थी, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री वो स्कीम लेके आई ताकि लोगों को फ्री में सिलेंडर वगैरह प्रोवाइड है वो करवाए जा सकें। तो इसी तर्ज पे गवर्नमेंट ने भी देखा कि और ज्यादा जो सप्लाई है हमें गैस की वो इंक्रीज करनी होगी, और इसीलिए 129 जिलों के अंदर गैस सप्लाई को बूस्ट करने के लिए बेसिकली ये प्रोजेक्ट है वो लाया गया है। इसमें लगभग बात करें तो 26 स्टेट को और यूनियन टेरेटरीज को मिला के काउंट है वो किया गया है। अब बेनिफिट्स का क्या होगा, अगर देखो गाँव में और सभी जगह अगर गैस पाइपलाइन है, गैस से लोग खाना बना रहे हैं, तो उसका बेनिफिट एक तो ये होगा इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो क्लीन फ्यूल है वो लोगों को मिलेगा। इससे एक तो उनकी हेल्थ का नुकसान नहीं होगा और इन्वायरमेंट भी पोल्यूटेड ज़्यादा नहीं होगा। इसके साथ ही जो नेचुरल गैस की सप्लाई है वो उनको लगातार रहेगी। अगर पाइपलाइन बिछा दी जाती है तो उनको बार बार ये नहीं कि सिलेंडर खत्म हो गया, अब सिलेंडर लेने जाना है, टाइम वाइम का और उनका कॉस्ट भी एक तरह से उनकी काफ़ी बेनिफिट के तौर पर देखा जाएगा। इसके साथ ही हम बात करें कि जो नेचुरल गैस होती है जैसे पीएनजी की बात करें तो वो एलपीजी की बजाय 40% सस्ती और कम सस्ती होती है मार्केट प्राइस से, तो मतलब उनको सस्ती गैस है वो मिलेगी। इसके साथ ही जो अगर सीएनजी गैस की बात करें वो तो 60% तक सस्ती होती है डीजल और पेट्रोल की तुलना में, तो मतलब कॉस्ट बेनिफिट भी उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और वो आराम से अपना खाना है वो बना सकती हैं, तो वुमेन हेल्थ के लिए भी काफ़ी हम इस पॉइंट को यूज है वो कर सकते हैं। तो यूपीएससी छोटा सा यहाँ पे ये पूछ सकती है कि सभी स्टेट वगैरह में लागू की गई, नहीं अभी तक 26 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में इसको लागू किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है क्या, नालसा के बारे में हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले है क्या। देखो यूपीएससी नालसा के बारे में पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहली बात तो यह है कि यह एक स्टेचुरी बॉडी है क्योंकि इसको पार्लियामेंट का एक एक्ट है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, उसके तहत बेसिकली इसका निर्माण किया गया था 1995 में, तो ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। अब नालसा का काम क्या है, नालसा का देखो मेनली काम यह है कि लोगों को फ्री में लीगल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करना। अब देखो आपको पता है अगर गाँव में कुछ बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ पे अगर कोई भी केस वगैरह होता है, कुछ भी इशूज होता है उन लोगों को, तो ऐसा तो नहीं है कि गरीब लोग हैं तो वो एक्चुअली कोर्ट में जाके अपना केस लड़ सके क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। तो उस कंडीशन में उन लोगों को फ्री में जो कोर्ट की प्रोसीजर है या बात करें उनको प्रॉपर न्याय दिलाने के लिए बेसिकली नालसा की निर्माण है वो किया गया था। और इसके नालसा के द्वारा ही जो रूरल एरिया में या ग्रामों गांव पंचायतों में बेसिकली जो लोक अदालतें हैं वो स्थापित की जाती हैं, मतलब गांव के लोगों के जो भी इश्यूज हैं उनके केसेज हैं उनसे निपटने के लिए रूरल एरिया में लोक अदालतों का जो आप बोल सकते हो कि लोक अदालत ऑर्गेनाइज की जाती हैं वो नालसा के द्वारा ही की जाती हैं, तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है। अब हम बात करें इसके जो हम एक तरीके से बोले कि चेयरपर्सन और एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो देखो जो इसके चेयरपर्सन होते हैं वो तो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके साथ जो सेकंड सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं वो बेसिकली होते हैं इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। और इसी तरीके से स्टेट के अंदर भी स्टेट की बॉडी भी यहाँ पर काम है वो करती हैं। अब देखो हम मेन अगर मोटो की क्लियर बात करें कि नालसा का काम साफ साफ है क्या, नालसा का काम ये है कि हमारी जुडिशरी पे जो भी बर्डन है ना उस बर्डन को कम किया जा सके। क्योंकि देखो जुडिशरी में काफ़ी सारे केस हैं वो रूरल एरिया के होते हैं और काफ़ी केस तो इतने सिंपल होते हैं कि उनको बहुत चुटकियों में आसान है सोल्व वो किया जा सकते हैं, इसीलिए नालसा का निर्माण किया गया ताकि जुडिशरी पे जो एक्स्ट्रा बर्डन है उसको कम किया जा सके। क्योंकि अगर गाँव के केस गाँव में ही निपटा दिए जाएंगे तो फिर उनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, और इसीलिए बेसिकली नालसा की स्थापना है वो की गई थी, तो नालसा के बारे में हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है कि आईआईटी हैदराबाद ने, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद है, उसने एक सेंसर डेवलप किया है वहाँ के रिसर्चर्स ने जो कि मिल्क दूध के अंदर जो भी मिलावट हो गया जो भी एडल्ट्रेशन होगी उसको डिटेक्ट है वो करेंगे। देखो हम बात करें हमारे देश में तो लगभग एनिमल वेलफेयर बोर्ड के द्वारा ये डाटा है, रिपोर्ट आई है कि लगभग 67% के आसपास जो भी प्रोडक्ट है मार्केट में उसमें कहीं ना कहीं दूध में, मतलब दूध के प्रोडक्ट मान लो से मावा कुछ भी हो गया सब, इनके अंदर मिलावट है वो पाई जाती है। तो उन सबको चेक करने के लिए एक सेंसर है वो तैयार किया गया है बेसिकली आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। तो ये तो है कंटेक्स्ट, तो यूपीएससी इस कंटेक्स्ट पे भी क्वेश्चन पूछ सकती है। अब देखो दूध में किस तरह की मिलावट है वो होती है वो देख लेते हैं। दूध में जैसे डिटर्जेंट मिला दिया जाता है या फिर ग्लूकोज या फिर यूरिया या फिर कास्टिक सोडा हुआ या फिर व्हाइट पेंट हुआ, ऑयल हुआ,
केमिकल हुए या फिर जो बोरिक एसिड हुआ, हाइड्रोजन परोक्साइड हुआ, एंटीबॉडीज हुई, इस तरह की चीजें दूध में मिला दी जाती हैं ताकि दूध की जो लाइफ है वो बढ़ सके। अदरवाइज आपको पता है कि दूध 1 या 2 दिन में मैक्सिमली खराब हो जाता है, तो दूध की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए इन चीजों का यूज किया जाता है और ये ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदायक होती है। जैसे कि इनसे हम बात करें तो किडनी की डिजीज सबसे ज्यादा फैलने के चांसेस होते हैं, इसके साथ ही आंखों की बीमारियां हो जाती हैं, मेमोरी लॉस के इश्यूज होते हैं, कैंसर होता है, स्किन डिजीज और आई डिजीज जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। और इसीलिए सेंसर तैयार किया गया है ताकि मार्केट में जो भी दूध प्रोडक्ट या दूध है उसकी मिलावट को चेक किया जा सके इजिली। ये बेसिकली दूध की जो पीएच है उसके बेसिस पे काम है, वो कहता है कि दूध की अगर पीएच ज्यादा हो रही है कम हो रही है तो उसको बेसिकली कैलकुलेट करता है और उसी के आधार पे पता चलता है कि दूध में किस चीज को मिलाया गया है। आप ये बताइए कि दूध की पीएच है वो कितनी होती है? दूध और ब्लड की पीएच दोनों की पीएच आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि ब्लड की पीएच कितनी होती है और दूध की जो पीएच है नॉर्मली वो कितनी होती है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। कंटेक्स्ट ये था कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसके द्वारा अभी कुछ माइक्रोबियल जो एंटीबॉडीज हैं उनका निर्माण के लिए बेसिकली कुछ रिसर्च वगैरह की गई है, तो कंटेक्स्ट कुछ इतना दमदार नहीं है, बट ये बॉडी इंपॉर्टेंट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। देखो बेसिकली एक अपेक्स बॉडी है जिसको 1949 में बनाया गया था, बट अहम बात क्या है, इस बॉडी को वैसे तो निर्माण किया गया था अंग्रेजों के टाइम पे 1911 में ही, बट उस टाइम पे इसका नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन जो कि मेडिकल एरिया में रिसर्च करने के लिए बनाई गई थी, बट 1949 में इसका नाम है वो ICMR या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है वो कर दिया गया था। अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है इसका मेन काम यह है कि हमारे देश में कोई भी जो एक तरीके से रिसर्च करनी है, बायोमेडिकल रिसर्च करनी हो या फिर कोई कोऑर्डिनेशन लेके आना हो, आपस में समन्वय कराना हो, इसके लिए बेसिकली काम है वो करते हैं। मतलब मेडिकल एरिया में जैसे कि एड्स हो गया या फिर हम और कोई डिजीज बात करें, मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, इन सब के लिए जो रिसर्च वगैरह करने का काम है, पोलियो वगैरह के लिए, वो बेसिकली ICMR के द्वारा किया जाता है। अब अहम बात करें इसको फंड कहाँ से मिलता है, तो इसको जो फंड है वो मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। तो देखो यहाँ पे थोड़ा यूपीएससी कंफ्यूज कैसे कर सकती है, अब तो यहाँ पे हमें इजी लग रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होगी, बट एग्जाम में हम सोच सकते हैं कि नहीं यार साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री भी हो सकती है क्योंकि ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी रिसर्च वगैरह ऐसा कुछ लग रहा है। तो देखो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा अगर क्लियरिटी होती है तो हम काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट है वो कर सकते हैं। तो ये तो थी बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन, अब एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 7th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट के बारे में जाना जो कि त्रिपुरा के कैपिटल अगरतला है वहां पे आयोजित है वो किया जा रहा है। इसके साथ ही हमने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के बारे में जाना, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में जाना, और इसी के साथ ही हमने प्रधानमंत्री का जो नया प्रोजेक्ट है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट इसके बारे में हमने जाना। इसी के साथ हमने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में जाना, नालसा के बारे में जाना, लोक अदालतों के बारे में जाना, और इसी के साथ हमने यहाँ पे एक देखा कि IIT हैदराबाद ने एक सेंसर डेवलप किया है जो कि दूध में मिलावट है, एडल्ट्रेशन है, इसको चेक है बेसिकली करेगा और उसमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं दूध में अगर मिलावट होती है, तो वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके साथ ही हमने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में जाना जो कि आज़ादी से पहले बनाई गई थी, आज़ादी के बाद इसका नाम है वो चेंज कर दिया गया था, और बेसिकली हमारे देश में बायोमेडिकल रिसर्च करनी हो या जो भी एक तरीके से रिसर्च एजेंसीज हैं ऑल ओवर की उसके साथ बेसिकली कोलोबरेट करके काम है वो करती है और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।